नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इंटरनल प्रवेश फॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप कौन कौन आईसीडी से किसी से भी अगर कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नवशिवा के लिए आपको कंटेनर जाना है, ठीक है, तो उसको ट्रैक कैसे करना है, वो रेल आउट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या स्टेटस है, स्टफिंग है कि क्या है, ठीक है, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। किस तरीके से आपको कंटेनर ट्रैक करना, तो उसके लिए हमें चैनल को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो देखिए, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे अगर किसी भी आईसीडी से अगर आप कंटेनर मतलब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको वो ट्रैकिंग आपको कहाँ पे करनी है, ठीक है, तो कौन कौन आईसीडी से अगर करते हैं तो आपको कैसे ट्रैक करना है, और गेटवे से करते हैं तो आपको कैसे ट्रैक करना है, ठीक। गेटवे रेल जो जिनका गेटवे रेल का जो सर्विस है, जैसे गेटवे रेल से अगर कंटेनर आपका जाता है तो आपको कहाँ ट्रैक करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉनकोर का दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं कॉनकोर की साइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉनकोर, यहाँ पे कॉनकोर कंटेनर ट्रैकिंग आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैक एंड ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, तो यहाँ पे उसके बाद आपको एक कंटेनर नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, वो आपको यहाँ पे कंटेनर नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटेनर नंबर डाल देना, कोई भी जैसे भी कंटेनर नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, TGHU 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबमिट क्वेरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एनी आप करके सबमिट क्वेरी पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप जो कॉनकोर का है, आप कंटेनर आप डाल के ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास लोकेशन आ जाएगी और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कंटेनर अभी स्टफिंग में है कि रेल आउट हो चुका है, ठीक है, और कहाँ पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर गेटवे रेल से जाता है, गेटवे रेल के लिए भी आपको गेटवे रेल कंटेनर ट्रैकिंग इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, और ये ट्रैक योर कंटेनर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट है तो इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटेनर नंबर आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है, ठीक है। इस तरीके डाल के गो पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जो कंटेनर की क्वेरी है, जो आप इस तरीके का ये देख रहे हैं ना, ये वाला, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि कंटेनर की क्या लोकेशन आ रही, कहाँ पे है, और उसका स्टेटस अभी करंट स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से आप कंटेनर ट्रैक कर सकते हैं। और किसी भी पोर्ट से अगर कंटेनर जाता है, जैसे आपका नवाशिवा से कंटेनर आपका गेट इन है या गेट आउट है, जो भी स्टेटस आपको चेक करना है, तो आपको टर्मिनल की वेबसाइट खोलनी है। जैसे वहाँ पे जो टर्मिनल, एक में एक टर्मिनल का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे BMCT कंटेनर ट्रैकिंग, ठीक है। नवाशिवा में भी 4-5 टर्मिनल हैं, वो आप उस पर, वो टर्मिनल का आपको नाम कंफर्म कर लेना है। अगर लाइन पे आपको शिपिंग लाइन का आपको अपडेट नहीं मिलता, कंटेनर जो पोर्ट पे अगर गेट इन हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको चेक करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे टर्मिनल का आपको नाम डालना है, और आपको इस तरीके से आपको ये वाला जो IDB.co.in वाला है, इस पे आपको ट्रैक कर लेना है, ठीक है। यहाँ आपको करेक्ट पता लग जाएगा आपका कंटेनर गेट इन हुआ या नहीं हुआ। कई बार शिपिंग लाइन की जो वेबसाइट है वो लेट अपडेट करती है, तो आपको यहाँ पे कंटेनर नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से 2 3 7, यहाँ पे इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इस तरीके से। अब ये करेक्ट कंटेनर नंबर नहीं है, इसलिए आपको ये सर्च नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी पोर्ट का आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको कंटेंट ट्रैक करना है और कहाँ पे ट्रैक करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।